हरिवंश पुराण सप्त चत्वारिशा सर्ग 47वां सर्ग। अथान्तक कीचक के छोटे भाइयों का वृत्तांत और उसके बाद जिसमें भीम तथा अर्जुन आदि की कोपाग्नि से शत्रु वन रूपी वन का अंतराल भस्म हो गया था, ऐसी गायों का पकड़ना आदि घटनाएं हो चुकी थी, तब अपनी मर्यादा को खंडित न करने वाले भी दुशासन, खोटा शासन अथवा दुशासन नामक कौरव के अंतर को विदीर्ण करने वाले पांडव समीचीन नयों के समान एक दूसरे के अनुकूल रहते हुए अपने पिता पांडु के भवन में एकत्रित हुए। अब तक उनकी अज्ञात निवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से वे भीमसेन आदि युद्ध में दुर्योधन के साथ जा खड़े हुए। जिस प्रकार मुनि सबको सम्मत इष्ट होते हैं, उसी प्रकार वे पांडव भी सबको सम्मत इष्ट थे। तदनंतर जिस प्रकार समस्त दिशाओं को पूर्ण करने वाले और सर्वहितकारी जल की वर्षा करने वाले वर्षाकालिक मेघ अत्यंत उत्तम उत्तम पद को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले समस्त अर्थ रूपी अमृत की वर्षा करने वाले वे पांडव भी अत्यंत उच्च पद को प्राप्त हुए। को मत बोलना। भावार्थ, पांडव हस्तिनापुर आकर रहने लगे और सबकी दृष्टि में उच्च माने जाने लगे। तदंतर दुर्योधन आदि 100 भाइयों ऊपर से उन्हें प्रसन्न रखकर हृदय में पुनः क्षोभ को प्राप्त होने लगे, भीतर ही भीतर उन्हें परास्त करने का उपाय करने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि इधर उधर बहने वाले जल में स्वच्छता कितने समय तक रह सकती है। दुर्योधन आदि ने पहले के समान फिर से संधि में दोष उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उससे भीम अर्जुन आदि छोटे भाइयों में फिर से उत्तेजित होने लगे, परंतु युधिष्ठिर ने उन्हें शांत करते रहे। स्वच्छ बुद्धि के धारक धीर वीर एवं दयालु युधिष्ठिर कौरवों का कभी अहित नहीं चाहते थे, इसलिए वे माता तथा भाई आदि परिवार के साथ पुनः दक्षिण की दिशा की ओर चले गए। चलते चलते युधिष्ठिर विंध्य वन में पहुंचे। वहां अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने वाले विदुर को देखकर उन्होंने अपने भाइयों के साथ उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करी। हे पूज्य, आपका ही जन सफल है जो आप संप्रदायों का परित्याग कर दोदक मोक्ष मार्ग में महातप करते हुए निर्भय स्थित हैं। जिस मार्ग में तत्व श्रद्धारम्भ निर्मल सम्यक दर्शन समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान और निर्दोष चारित्र प्रतिपादित है एवं व्रत गुप्त समिति इंद्रिय और कषाय को जीतने वाला संयम का निरूपण किया गया है, उस मार्ग में स्थित हो आप जैसे महानुभाव शीघ्र ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जिनंतक मार्ग तथा महामुनि विदुर को स्तुति करता हुआ युधिष्ठिर द्वारिका पहुंचे। यादवों को पांडवों के आगमन का जब पता चला तो उन्होंने इनका बड़ा स्वागत किया और छोटे भाइयों के साथ युधिष्ठिर ने द्वारिका में प्रवेश किया। समुद्र विजय आदि दशों भाइयों ने बहन तथा अपने भांजों को बहुत समय के बाद देखा था, इसलिए उन सबके समागम से उन्हें परम हर्ष हुआ। भगवान नेमिनाथ, कृष्ण, बलदेव आदि समस्त यादव कुमार, समस्त अंतापुर और प्रजा के सब लोग उस समय बहुत ही संतुष्ट हुए। नेत्रों का आनंद देने वाला पांडवों तथा समस्त स्वजनों का वह दर्शन परस्पर का मिलना सबके लिए सुखदायी हुआ। यादव और पांडव परस्पर मिलकर हर्ष से ऐसा मानने लगे कि शत्रुओं ने हमारा उपकार ही नहीं उपकार ही किया है। भावा, यदि दुर्योधनादिक उपकार न करते तो हम लोग इस तरह परस्पर मिलकर आनंद का अनुभव नहीं कर सकते थे, अतः उनका किया उपकार अपकार नहीं प्रत्युत उपकार है, ऐसा सब लोग मानने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण के द्वारा दिखलाए हुए भोगो भोग की सब सामग्री से युक्त पांचों उत्तम महल में पांचों पांडव पृथक पृथक रहने लगे। युधिष्ठिर ने लक्ष्मीमती, भीम ने शेषवती, अर्जुन ने सुभद्रा, सहदेव ने विजया और नकुल ने रति नाम की कन्या को प्राप्त किया। यथाक्रम से पूर्वोक्त यादव कन्याओं को विवाह कर देवों की उपमा को धारण करने वाले पांडव उन ईष्ट स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे क्षणिक, इस प्रकार मैंने तेरे लिए संक्षेप से कुरुवीर की कथा कही, अब मैं प्रद्युम्न की चेष्टाएं कहता हूँ, तो सुन। अत्यंत रमणीय विजयात पर्वत पर कला रूपी गुणों के द्वारा बंधुजनों के हर्ष रूपी सागर को बढ़ाता हुआ प्रद्युम्न चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। विद्याधर पुत्र प्रद्युम्न ने बड़े उद्यम के साथ बाल्यकाल में ही आकाशगामी आदि विद्याधारों के साथ योग्य विद्याओं को शीघ्र ही सीख लिया था। वे बाल्यावस्था से ही लेकर अस्त्र के समान अपने लावण रूप स्वभाव और पौरुष के द्वारा शत्रु में तथा पुरुषियों के मन को हरण करता था। यौवन को प्राप्त होते ही प्रद्युम्न समस्त अस्त्र शस्त्रों में कुशल हो गया। अपने सौंदर्य के कारण तरुण प्रद्युम्न यद्यपि अन्य युवाओं के हृदय पर प्रहार करता था, उन्हें मात्सर्य उत्पन्न करता था, तथापि वह सबको प्रिय था। मन्मथ, मदन, कामदेव और मनोभाव आदि इत्यादि सार्थक नामों से वह युक्त था। यद्यपि वह अनंग शरीर से सहित नहीं था, तथापि लोग उसे अनंग कहते थे। भवात, प्रद्युम्न कामदेव पद का धारक था। साहित्य में काम का एक नाम अनंग है, इसलिए प्रद्युम्न भी अनंग कहलाता था। अतिशय कुशल प्रद्युम्न ने 500 पुत्रों को जीतने वाले सिंहरथ को युद्ध में जीतकर काल संवर को दिखा दिया। भवात, उस समय सिंहरथ नाम का विद्याधर काल संवर के विरुद्ध था। उसे जीतने के लिए उसने 500 सुपुत्र भेजे थे, परंतु सिंहरथ ने उन सबको पराजित कर दिया था।
प्रद्युम्न ऐसा कुशल शूरवीर था, उसने उससे युद्ध में जीत के काल संवर के आगे डाल दिया। ऐसे वीर पुत्र को देख के काल संवर बड़ा संतुष्ट हुआ और विजयात की दोनों श्रेणियों को अपने वशीभूत मानने लगा। इसी से प्रभावित हो राजा ने प्रद्युम्न के लिए विधि विधान पूर्वक युवराज पद का महापट बांध दिया, जो महाराज पद रूपी उत्कर्ष फल के लिए पुष्प के समान था। इस घटना से राजा काल संवर के जो 500 पुत्र थे वे सब ओर से प्रद्युम्न के नाश का उपाय सोचने लगे। वे निरंतर छल की खोजने में तत्पर रहते थे, परंतु बैठने, सोने, वस्त्र, पान का भोजन, पानी आदि के समय वे उसे छलने के लिए सहमत नहीं हो सके। किसी एक समय नीति के अनुकूल आचरण करने वाले कुमारों के समूह विनीत प्रद्युम्न कुमार को सिद्धायतन के गोपुर के समीप ले गए और इस प्रकार की प्रेरणा करने लगे, जो इस गोपुर के अग्रभाग पर चढ़ेगा वह उस पर रहने वाले देव से विद्याओं का खजाना मुकुट प्राप्त करेगा। साथियों से इस प्रकार प्रेरित हो कुमार वेग से गोपुर के अग्रभाग पर चढ़ गया और वहाँ के निवासी देव से विद्याओं का खजाना था मुकुट ले आया। तदनंतर भाइयों से प्रेरित हो वेग से महाकाल नामक गुफा में घुसा, वहाँ से तलवार, ढाल, छत तथा चमर ले आया। वहाँ से निकल के नाग गुहा में गया और वहाँ के निवासी देव से उत्तम पाटपीठ, नागशैया, आसन, वीणा तथा भवन बना देने वाली विद्या ले आया। वहाँ से आकर किसी वापिका में गया और युद्ध में जीते हुए देव से मकर के चिन्ह से उचित ऊंची ध्वजा प्राप्त कर ली काली। परंतु अग्निकुंड में प्रवेश करता हुआ वहाँ से अग्नि के शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र ले आया। तत्पश्चात मेषाकृति पर्वत में प्रवेश कर कानों के 2 कुंडल ले आया। उसके बाद पांडुक नामक वन में प्रवेश कर वहाँ के निवासी मरकट नामक देव से मुकुट और अमृतमय माला लेकर लौटा। कपित नामक वन में गया और वहाँ के निवासी देव से विद्यामय हाथी ले आया। वाल्मिक वन में से प्रवेश कर वहाँ के निवासी देव से छुरी, कवच तथा मुद्रिका आदि ले आया। शरार नामक पर्वत के निवासी देव से कटिसूत्र, कवच, कड़ा, बाजूबंद और कंठाभरण आदि प्राप्त किए। शुकर नामक वन से शुकर देव से शंख और सुंदर धनुष प्राप्त किए और वहीं पर किले हुए मनोवेग नामक विद्याधर से हार और इंद्रजाल प्राप्त किए। मनोवेग का वैरी वसंत विद्याधर था। कुमार ने उन दोनों की मित्रता करा दी, इसलिए उनसे एक कन्या तथा नरेंद्र जाल प्राप्त किया। आगे चलकर एक भवन में प्रवेश कर उसके अधिपति देव से पुण्यमय धनुष और उन्माद, मोह, संताप, मत एवं शोक उत्पन्न करने वाले बाण प्राप्त किए। तथा एक और दूसरी नाग गुहा में गया तो वहाँ के स्वामी देव से चंदन तथा अगुरु की मालाएं, फूलों का छत्र और फूलों की शैया प्राप्त की। तदनंतर जयंतगिरी पर वर्तमान दुर्जय नामक वन में गया और वहाँ से विद्याधर वायु तथा उसकी सरस्वती नामक स्त्री से उत्पन्न रति नामक पुत्री लेकर लौटा। इस प्रकार इन 16 लाभ के स्थानों में से जिसे अनेक महामलाभों की प्राप्ति हुई थी, ऐसे प्रद्युम्न कुमार को देखकर संवर आदि कुमारों के चित्त आश्चर्य से चकित हो गए। तदनंतर पुन का महात्म समझ से शांति धारण कर वे प्रद्युम्न के साथ अपने नगर वापस आ गए। जो प्राप्त हुए सफेद बैलों से जुटे दिव्य रथ पर आरूढ़ थे, धनुष, 5 बाण, छत्र, ध्वजा और दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे तथा काम के बाण से पुरुष और स्त्रियों के मन को हर आता, ऐसा प्रद्युम्न ने सैकड़ों कुमारों से परिवृत हो मेघकुट नामक नगर में प्रवेश किया। पहुँचते उसके नमस्कार कर काल संवर ने दर्शन किए और उसके बाद उसी भांति रथ पर बैठा हुआ कनकमाला के घर की ओर प्रस्थान किया। उस प्रकार की वेशभूषा से युक्त नेत्रों के लिए आनंदमय प्रद्युम्न को समीप आया देख कदंबमाला किसी दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गई। रथ से नीचे उतरकर नम्रीभूत हुई प्रद्युम्न की कनकमाला ने बहुत प्रशंसा की, उसका मस्तक सुंघा, उसे पास में बैठाया और कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया। तदनंतर मोह का तीव्र युद्ध होने से उसकी आत्मा विवश हो गई और हृदय रूपी भूमि को खोदते हुए उसने अनेक कठोर विचार उसके मन में उठने लगे। वह विचारने लगी कि जो स्त्री शैया पर अपने अंगों से इसके अंगों को स्पर्श कर कोई एक बार भी प्राप्त कर लेता है, संसार में वही एक स्त्री है जो अन्य स्त्री है तो स्त्री के लिए आकृति मात्र है। यदि मुझे प्रद्युम्न का आलिंगन प्राप्त हो तो मेरा रूप लावण्य, सौभाग्य का चातुर्य सफल है और दुर्लभ रहता है, तो यह सब मेरे लिए तृण के समान तुच्छ है। जिसके मन में कनक माला के ऐसे विचारों की कल्पना भी नहीं थी, ऐसा प्रद्युम्न पूर्वोक्त संकल्प विकल्प करने वाले कनक माला को प्रणाम करता आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर चला गया। उधर प्रद्युम्न के आलिंग जन्य सुख को प्राप्त करने की जिसकी लालसा लग रही थी, ऐसे विद्याधरी कनकमाला प्रबल दुख से दुखी हो सब कामकाज भूल गई। दूसरे दिन उसके अस्वस्थ होने का समाचार पा प्रद्युम्न उसे देखने गया तो देख क्या देखता है, कनकमाला कमलनी के पत्तों की शैया पर पड़ी हुई बहुत व्याकुल हो रही थी। प्रद्युम्न ने उसके शरीर की अस्वस्थता का कारण पूछा तो उसने शरीर और वजन संबंधी चेष्टाओं से अपना अभिप्राय प्रकट किया। तदनंतर इस विपरीत बाण को जानकर कर्म की चेष्टाओं की निंदा कर प्रद्युम्न उसे माता और पुत्र का संबंध बतलाने में तत्पर हुआ। इसके उत्तर में कनकमाला ने भी उसे आदि, मध्य और अंत तक जैसा वृत्तांत हुआ वैसा बतलाते हुए कहा कि तू मुझे 8वीं मेष किस प्रकार मिला था
किस प्रकार तेरा लालन पालन हुआ और किस तरह मुझे विद्याओं का लाभ हुआ। कनक माला से अपना संबंध सुन प्रद्युम्न में मन में संशय उत्पन्न हुआ, जिससे वह स्पष्ट पूछने के लिए जिन मंदिर में विद्यमान सागर चंद मुनिराज के पास गया और हर्ष पूर्वक उन्हें नमस्कार कर उसने अपने सब पूर्व पूछे। पूर्व ज्ञात कर उसे यही माला हो गया मालूम हो गया कि यह कनक माला पूर्व भव में चंद्राभा थी। सूर्य सम्यक दर्शन के धारक पदुम्न को मुनिराज ने यह भी विदित हुआ कि तुझे कनक माला से प्रज्ञप्ति विद्या का लाभ होने वाला है। तदंतर शील रूपी धन को धारण करने वाले पदुम कुमार ने जाकर काम से पीड़ित कनक माला से प्रज्ञप्ति विद्या के बारे में पूछा। पदुम्न ने आया देख कनक माला से कहा, हे काम, एक बात कहती हूँ, तो सुन। यदि तू मुझे चाहता है और मैं तुझे गौरी और प्रज्ञप्ति नामक विद्याएं कहती हूँ बतलाती हूँ, तू ग्रहण कर। तदंतर यह आपकी पसंदता है, मैं आपको चाहता हूँ, विद्या मुझे दीजिए। इस प्रकार कहने वाले पदुम्न के लिए कनकमाला ने विद्याधरों के लिए दुष्पा दोनों विद्याएं विधिपूर्वक दे दी। हाथ फैलाकर दोनों विद्याओं को ग्रहण करता हुआ पदुम्न बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वह विद्याएं ले चुका था तो इस प्रकार के उत्तम वचन बोला, पहले अठवीं से लाकर आपने मेरी रक्षा की, अतः प्राणदान किया और अभी विद्यादान किया। इस तरह प्राणदान और विद्या ध्यान देने से आप मेरी गुरु हैं। इस प्रकार उत्तम वचन के तीन प्रतिष्ठाएं देखे वह हाथ जोड़कर शिर से लगाकर सामने खड़ा हो गया और पुत्र के उचित जो भी आज्ञा मेरे योग्य है सो दीजिए, इस प्रकार वह याचना लगने लगा। तो कनकमाला चुप रह गई और पदुम थोड़ी देर तक वहां रुक कर चला गया। मैं इस तरह इसके द्वारा चली गई हूँ, यह जान कनकमाला ने तीव्र क्रोधवश अपने कक्ष वक्षस्थल और स्तनों का स्वयं ही नखों से आघात से युक्त कर लिया और पति के लिए अपना शरीर दिखाते हुए कहा, हे नाथ, अपत्य जनों के योग यह पदुम की करतूत है। पति ने भी स्त्री के इस प्रपंच पर विश्वास कर लिया। राजा काल संवर इस घटना से बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने एकांत में बुलाकर अपने 500 पुत्रों से कहा, जिस तरह किसी अन्य को पता न चल सके उस तरह इस पदुम को मार डाला जाए। तदंतर पिता की आज्ञा पा हर्ष से फूले हुए पापी कुमार बड़े आनंद के साथ दूसरे दिन पदुम को साथ ले कालाम्बी नामक वापिका पर गए और एक साथ सब पदुम पर कूद कर उसके घात की इच्छा करते हुए उसे बार बार प्रेरित करने लगे, चलो वापी में जल क्रीड़ा करें। उसी समय प्रज्ञप्ति विद्या ने पदुम्न के कान में सब बात जो कि त्यों कह दी। सुनकर पदुम्न को बहुत क्रोध आया और उसी क्षण में माया से अपना मूल शरीर कहीं छिपा कृत्रिम शरीर से वापिका में कूद गया। उसके कूदते ही वज्र के समान निर्दय एवं मारने के इच्छुक सब कुमार एक साथ उसके ऊपर कूद पड़े। प्रद्युम्न ने एक को शेष बचाकर सभी कुमारों को ऊपर पैर और नीचे मुख तक कील कर दिया और एक भाई को पांच चोटियों का धड़क बना खबर देने के लिए काल संवर के पास भेज दिया। तदंतर पुत्रों का समाचार सुन द्विगुणित क्रोध से दधिमान होता हुआ काल संवर युद्ध की तैयारी कर सब सेना के पहुंचा। उधर प्रद्युम्न ने भी विद्या के प्रभाव से एक सेना बना ली जो उसके साथ चिरकाल तक युद्ध कर काल संवर हार गया और जीवन की आशा छोड़ कनकमाला से बोला, तू मुझे शीघ्र प्रज्ञप्ति नामक विद्या दे। कनकमाला ने कहा कि मैं तो बाल अवस्था में ही दूध के साथ वह विद्या पदुम के लिए दे चुकी हूँ। तदंतर स्त्री की मायापूर्ण दुर्श्रेष्ठता को जानकर मानी काल संवर पुनः युद्ध के मैदान में आकर युद्ध करने लगा तथा और पदुम ने उसे बांधकर एक शिला तल पर रख दिया। उसी समय अत्यंत निमोद नारद जी वहां पहुंचे। पदुम ने उसका सम्मान किया। तदंतर नारद ने सब संबंध कहा। तदंतर राजा काल संवर को बंधन से मुक्त कर पदुम ने क्षमा मांगते हुए उनसे कहा कि माता कनकामल ने कनक कमाला ने जो भी किया है वह पूर्व कर्म के वशीभूत होकर ही किया है, अतः उसे क्षमा कर दीजिए। उपाय के ज्ञाता पदुम ने जिनका कुछ भी उपाय नहीं चल रहा था ऐसे 500 कुमारों को भी छोड़ दिया और भ्रात स्नेह के प्रकट करने में तत्पर हो उनसे बार बार क्षमा मांगी। तदंतर रुक्मणी और कृष्ण के दर्शन के लिए जिसका मन अत्यंत उत्सुक हो रहा था ऐसे पदुम ने जाने के लिए राजा काल संवर से आज्ञा मानी। उसने भी संतुष्ट होकर उसे विदा कर दिया। तत्पश्चात स्नेहपूर्वक पिता को प्रणाम कर पदुम द्वारिका जाने के लिए नारद के साथ विमान के द्वारा आकाश में आरूढ़ हुआ। नाना प्रकार की कथाओं के द्वारा आकाश में आते हुए दोनों जब हस्तिनापुर को पार कर कुछ आगे निकले तो एक सेना उनके दृष्टिपथ में आई। एक सेना उन्हें दिखाई दी। सेना को देख पदुम नारद से पूछा, हे पूज्य, यह अठवीं के बीच नीचे किसकी भारी सेना विद्यमान है? इस सेना का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, यह बड़ी तेजी से कहाँ और किसके लिए जा रही है? इस प्रकार पद्युम के पूछने पर नारद ने कहा, पद्युम सुनो, मैं इस समय तुझे एक कथा का कुछ सुनाता हूँ। कुरुवंश का अलंकार भूत एक दुर्योधन नाम का राजा है जो युद्ध में शत्रुओं के लिए सचमुच ही दुर्योधन है, जिसके साथ युद्ध करना कठिन है, और वह हस्तिनापुर नाम के उत्तम नगर में रहता है। एक बार पहले प्रसन्न होकर उसने कृष्ण से प्रतिज्ञा की थी, यदि मेरी कन्या हुई और आपकी रुक्मणी तथा सत्यभामा रानियों के पुत्र हुए तो जो पुत्र पहले होगा उसके लिए मैं अपनी कन्या दूंगा।
तदनंतर रुक्मणी के तुम और सत्यभामा के भानु नाम साथी उत्पन्न हुए, परंतु रुक्मणी के सेवकों ने कृष्ण महाराज के लिए पहले खबर तुम्हारी खबर दी, इसलिए तुम अग्रज घोषित किए गए, और सत्यभामा के स्वजनों के ने पीछे खबर दी, इसलिए उनका पुत्र भानु अनुज घोषित किया गया। तदनंतर अकस्मात कहीं जाता हुआ धूमकेतु नाम का असुर तुम्हें हर ले गया था, इसलिए तुम्हारी माता रुक्मणी बहुत दुखी हुई और सत्यभामा संतुष्ट हुई। जब आपका कुछ समाचार नहीं मिला तब यश रूपी दधन को धारण करने वाला दुर्योधन ने अपनी उदय की कुमारी नाम की कन्या सत्यभामा के पुत्र भानु के लिए भेज दी। हे स्वामी, नाना भाव को धारण करने वाली यह कन्या बड़ी भारी सेना से सुरक्षित हो द्वारका को जा रही है, तथा सत्यभामा के पुत्र भानु की स्त्री होने वाली है। यह सुन प्रद्युम्न ने नारद को तो वहीं आकाश में खड़ा रखा और उसी क्षण नीचे उतर कर भील का वेश धारण कर सेना के सामने खड़ा हो गया और यह कहने लगा कि कृष्ण महाराज ने मेरे लिए शुल्क देना निश्चित किया है, वह देखे जाइए। भील के इस प्रकार कहने पर जो कुछ लोगों ने कहा कि मांग क्या चाहता है, भील ने उत्तर दिया, इस समय सेना में जो वस्तु सारभूत हो वही चाहता हूँ। उनके इस प्रकार कहने पर लोगों ने क्रोध दिखाते हुए कहा कि सेना में सारभूत तो कन्या है। भील ने फिर कहा, यदि ऐसा है तो वो कन्या मुझे दी जाएगी। यह सुन लोगों ने कहा कि तू कृष्ण विष्णु कृष्ण से उत्पन्न नहीं हुआ है, कन्या उसे ही दी जाएगी जो विष्णु से उत्पन्न होगा। भील ने जोर देकर कहा, मैं विष्णु से उत्पन्न हुआ हूँ, इस असंबंध बकने वाले की धृष्टता देखो। यह कहकर उसे धनुष की कोटी से अलग हटाकर जो ही आगे जाने को उद्यत हुए तो ही वह विद्या के द्वारा निर्मित भीलों की सेना से दुर्योधन की सेना को जीत कर अपनी कन्या ले आकाश में जा पहुंचा। विमान में पहुंचकर प्रद्युम्न ने अपना असली रूप रख लिया और अथा सुंदर रूप को धारण करने वाला उसको देख कर कन्या निर्भय हो गई और नारद के कहने से यथार्थ बात को जानकर हर्षित और सुख की सांस लेने लगी। अतः कन्या उद्दकी कुमारी और नारद मुदि के साथ इच्छा अनुकूल गमन करने वाले विमान पर अरुण प्रद्युम्न द्वारा सुंदर द्वारिका नगरी जा पहुंचे। दूसरे ही उसके विशाल सागर और कोट से सुरक्षित एवं गोपुर और अट्टालिकाओं से व्याप्त नगरी द्वारिका को देखा। उसी समय सत्यभामा का पुत्र भानु कुमार घोड़ों को व्यायाम कराने के लिए नगरी के बाहर मैदान में आया था। उसने प्रद्युम्न को देखता देखते ही वह विमान के आकाश में खड़ा कर पृथ्वी पर आया और वृद्ध का रूप रख सुंदर घोड़ा ले भानु कुमार के पास पहुंचा। बोला कि मैं ये घोड़ा भानु कुमार के लिए लाया हूँ। देखते ही भानु कुमार सुंदर घोड़े पर सवार हो गया। इच्छानुकूल रूप को धारण करने वाले उस घोड़े ने भानु कुमार को बहुत देर तक तंग किया और बाद में भानु कुमार को साथ ले अपनी इच्छानुसार उस वृद्ध के पास ले आया। भानु कुमार घोड़ा से नीचे उतर आया और वृद्ध ने हट्टास करते हुए कहा तथा हाथ से घोड़ा का आस्वादन कर व्यंगपूर्ण भाषा में छुड़ाते हुए भानु कुमार से कहा कि अहो घोड़ा के चलाने में मैं आपकी बड़ी चतुराई है। साथ ही वृद्ध ने यह भी कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, स्वयं मुझसे इस घोड़े पर बैठते नहीं बनता, यदि कोई मुझे बैठा दे तो मैं अपना कौशल दिखाऊं। साथ ही भानु कुमार के लोग उसे घोड़ा बचाने के लिए उद्यम करने लगे, परंतु प्रद्युम्न ने अपना शरीर इतना भारी कर लिया था कि अनेक लोगों को उसको उठाना दुर्भर हो गया। इस प्रकार अपनी माया से उन सब लोगों को तंग कर वृद्ध रूपधारी प्रद्युम्न उस घोड़े पर स्वयं चढ़ गया और अपना कौशल दिखाता हुआ चला गया। तदंतर उसने मायामयी वानरों तथा मायामयी घोड़ों से सत्यभामा का ओपन उजाड़ डाला, तथा माया से ही उसने बड़ी भारी वापिका सुखा दी। नगर के द्वार पर राजा कृष्ण आ रहे थे, उन्हें देख उसने माई मक्खियों और डांस मच्छरों को इतना अधिक संख्या में छोड़ा कि उनका आगे चलना कठिन हो गया था और हाथ लाते ही उनसे लौटते ही बना। तदनंतर वह गधे और मेंढे के रथ पर सवार हो नगर में चिरकाल तक कीड़ा करता रहा। इस प्रकार नाना तरह की कीड़ाओं से नगर वासियों को मोहित कर उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने बाबा वसुदेव के साथ मेष युद्ध से कीड़ा की। तदंतर सत्यभामा के महल पहुंचा, वहां ब्राह्मणों का भोजन हुआ था। सुप्रद्युम्न एक ब्राह्मण का रूप रख सबसे आगे के आसन पर जा बैठा। एक अपरिचित ब्राह्मण को आगे बैठा देख सब ब्राह्मण कुपित हो गए। तब लगे हुए आसनों से उसने उन ब्राह्मणों को खूब तंग किया। तत्पश्चात उसने विप्र भोज में जितना भोजन बना था वह सब प्रद्युम्न ने खा लिया। जब कुछ भी ना बचा तो सत्यभामा को कृपण बता खाते हुए भोजन को वमन द्वारा वहीं उगल कर वहां से बाहर चला गया। अब वह क्षुल्लक का वेश रखकर माता रुक्मणी के महल में गया। वहाँ उसने माता रुक्मणी के द्वारा दिए हुए लड्डू खाए। उसी समय सत्यभामा का आज्ञाकारी नाई रुक्मणी के शिर के बाल लेने के लिए उनके घर आया था। सो प्रद्युम्न ने सब समाचार जानकर उसका खूब तिरस्कार किया। सत्यभामा की शिकायत सुन बलदेव रुक्मणी के महल पर आने को उद्यत हुए तो प्रद्युम्न ने एक ब्राह्मण का रूप रखकर द्वार पर फैल फैलाकर खड़ा रहा। बलदेव ने उसे दूर हटाने के लिए कहा पर वह टस से मस नहीं हुआ और कहने लगा, आज सत्यभामा के घर बहुत भोजन कर आया हूँ, हमसे उठते नहीं बनता। कुपित हो बलदेव ने उसकी टांग खींचकर खींचना चाहा पर उसने विद्या बल से टांग को इतना मजबूत कर लिया कि वे खींचते खींचते तंग आ गए। इस प्रकार नाना उद्याओं में कुशल प्रद्युम्न अपनी इच्छा अनुसार लोगों को आश्चर्य उत्पन्न करता हुआ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा। उसी समय प्रद्युम्न के आने के जो चिन्ह पहले नारद ने कहे थे वे माता रुक्मणी को प्रत्यक्ष दिखने लगे और उनके स्तन रूपी कलशों से अत्यधिक दूर झड़ने लगा।
अत्यंत आश्चर्य में पड़कर वह विचार करने लगी, कहीं 16 वर्ष व्यतीत होने के बाद मेरा पुत्र ही तो रूप बदल कर नहीं आ गया है। उसी क्षण प्रद्युम्न ने भी अपने असली रूप में प्रकट हो पुत्र का स्नेह माता कर इसने प्रकट कर माता को प्रणाम किया। पुत्र को देखते ही रुक्मणी आनंद से भर गई, उसके नेत्र हर्ष से आंसुओं से व्याप्त हो गए और वह नम्रीभूत पुत्र का आलिंगन कर चिर संचित दुख को आंसुओं के द्वारा तत्काल छोड़ने लगी। पुत्र के दर्शन रूपी अमृत से सींची हुई रुक्मणी के शरीर के प्रत्येक रोम कूप से रोमांच निकल आए थे। उसे ऐसा जान पड़ता था मानो पुत्र का स्नेह ही फूट फूट कर प्रकट हो रहा। तदंतर जब माता और पुत्र परस्पर कुशल समाचार पूछ चुके तब माता ने चित्त के लिए अत्यधिक संतोष प्रदान करने वाले पुत्र से कहा, हे पुत्र कनक, वह कनक माला धन है जिसने तेरी बाल अवस्था की बाल क्रीड़ा को देखने रूप पुत्र जन्म के फल का उपयोग किया। माता के इतने कहते ही नेत्रों का आनंद प्रदान करने वाले प्रद्युम्न ने नमस्कार किया कि हे मात, मैं यहाँ ही अपनी बाल चेष्टाएं दिखलाता हूँ, देख। तदंतर वह उसी क्षण एक बालक दिन का बालक बन गया और नेत्र रूपी नील कमल को फुला फुलाकर हाथ का अंगूठा चूसने लगा। कुछ देर बाद वह माता के स्तन का चूचक मुंह में दाब कर दूध पीने लगा तथा चित्त लेट कर माता के कर कल्लवों को सुख उपजाने लगा। फिर छाती के बल सरकने लगा, फिर उठने का प्रयत्न करता हुआ परंतु नीचे गिर पड़ा। तदंतर माता की हाथ की उंगली पर मणि में फर्श पर चलने लगा। तदंतर धूलि में खेलता खेलता अपने माँ के कंध से लिपट कर उसे सुख उपजाने लगा और कई माता के मुख की और नेत्र लगा मुस्कुराता हुआ तोती बोलने बोलने लगा। इस प्रकार मनोहर बाल क्रीड़ाओं से माता का मनोरथ पूर्ण कर वह अपने असली रूप में आ गया और नमस्कार कर बोला, मैं तुझे आकाश में ले चलता हूँ। तदंतर वह दोनों भुजाओं से शीघ्र रुक्मणी को ऊपर उठा आकाश में खड़ा होकर कहने लगा कि समस्त यादव राजा सुने, मैं तुम लोगों को देखते देखते लक्ष्मी की भांति सुंदर श्री कृष्ण की प्रिया रुक्मणी को हर कर ले जा रहा हूँ। हे यादवी, शक्ति हो तो उसकी रक्षा करो। इस प्रकार वह कहकर तथा शंख फूंक कर उसने रुक्मणी को विमान में नारद तथा उद्धी कुमारों के पास बैठा दिया और स्वयं युद्ध के लिए आकाश में आ खड़ा हुआ। तदंतर चतुरंग सेनाओं से सहित और 5 प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण यादव राजा युद्ध के लिए तैयार हो नगरों से बाहर निकले। प्रद्युम्न विद्या बल से यादवों की सब सेना को मोहित कर आकाश में स्थित कृष्ण के साथ चिरकाल तक युद्ध करता रहा। अंत में प्रद्युम्न ने जब कृष्ण के अस्त्र कौशल को निःशुल कर दिया तथा प्रौढ़ दृष्टि को धारण करने वाले दोनों वीर अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से युद्ध करने उद्यत हुए, उसी समय रुक्मणी के द्वारा प्रेरित नारद ने आकाश में शीघ्र आके पुत्र पुत्र का संबंध बतलाकर दोनों वीरों को युद्ध करने से रोका। तदंतर नम्रीभूत पुत्र का आलिंगन कर श्री कृष्ण परम हर्ष को प्राप्त हुए और हर्ष के आंसुओं से नेत्रों को व्याप्त करते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। तत्पश्चात माया से सुलाई हुई सेना को विद्या से उठाकर प्रद्युम्न संतुष्ट हो बंधुजनों के साथ नगरी में प्रवेश किया। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी ऐसी पुत्र वत्सला रानी रुक्मणी और जाम्बवती ने उस समय हर्ष से बहुत उत्सव कराया। तदंतर मान्य पद्म कुमार अन्य स्त्रियों को लज्जा उत्पन्न करने वाली उत्तमोत्तम मान्य कन्याओं के साथ उत्तम विवाह मंगल को प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी कहते हैं कि स्वर्ण की दधिप मान माला से युक्त रानी कनकामला ने अपने पति काल संभव विद्याधर के साथ विवाह के समय आकर जिसके विवाह रूप कल्याण को देखा था एवं जिनेन्द्र भगवान के उत्कृष्ट शासन के प्रभाव से जिसे बहुत भारी सुख की प्राप्ति हुई थी, ऐसा प्रद्युम्न कुमार उद्धी कुमारी आदि कन्याओं को विधि पूर्वक विवाह कर उनका उपभोग करने लगा। इस प्रकार अरिष्ट नेमी पुराण के संग्रह से जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में कुरुवंश तथा प्रद्युम्न का माता पिता के साथ समागम वर्णन करने वाला 47वां शक समाप्त हुआ।